तो फ्रेंड्स हम लोग कुकर लेके आए थे, हमें वो गैस पे यूज़ करना था, तो वो गैस पे चल नहीं रहा था। यहाँ पे आके जब हमने उन्हें बताया तो वो इंडक्शन पे टेस्ट कर रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग और गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखीमपुर, क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूँ। आपने देखा होगा मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कल रात को बहुत अच्छी नींद आई थी। तो अभी हम लोग सुबह उठ गए हैं और मैं अभी पी रही थी चाय और मम्मी ने घर की साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। अब मैं अपना शिनचैन को बहुत मिस कर रही थी, मतलब कि मैं सुबह जब चाय वगैरह पीती हूँ तो मैं शिनचैन ज़रूर देखती हूँ और अभी फाइनली मैं वही काम कर रही हूँ। ये रही मेरी चाय, मैं साथ में खा रही थी बिस्किट और यहाँ पे हमारा शिनचैन आ रहा है, वहाँ पे चल रहा है मेरा शिनचैन और आप लोगों को वो स्क्रीन वाइट वाइट दिख रही होगी बट उसमें शिनचैन चल रहा है, कैमरे में शायद नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन गाइस कहीं पे भी रह लो लेकिन अच्छा सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर पे लगता है, जो कि मुझे इस टाइम लग रहा है। तो आज आप लोग मेरे यहाँ वाले घर का ब्लॉग देखिएगा पूरा। सो फ्रेंड्स दीदी, हाँ प्रोटीन शेक बना के दे दो। ठीक है जाओ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताने वाली थी लेकिन इसने कहा कि प्रोटीन शेक बना दो, तो पहले मैं बना देती हूँ प्रोटीन शेक। उसके प्रोटीन शेक में ये ओट्स और ये वाला पीनट बटर और बनाना मिल्क और हनी पड़ता है और फिर उसको इसमें डाल के मैं ग्राइंड कर दूंगी। सो मैंने इसमें लगभग सब कुछ डाल लिया है और इसमें दूध भी अभी डालना है और उससे पहले इसमें हम लोग डाल देंगे ये वाला पीनट बटर। सो अभी मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे बना के दे दिया है, ये देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग आए तो हमने देखा कि चिरौंजी में कितने कीड़े लग गए हैं, इसलिए हमने इसे धूप में रखा था और यहाँ पे मम्मी पानी डाल दिए पौधों में और पापा अभी दामोदर के यहाँ के फेमस समोसे लेके आए हैं और यहाँ पे पापा समोसे खा रहे हैं। पापा मैं घर आ गया, वो कैसा लगा? थैंक यू। और ध्रुव जा रहा है कोचिंग, बाय बाय। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ लंच। तो लंच में है आज खिचड़ी और साथ में है ये, इस पर प्याज में नींबू पड़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है और मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने कुकर भी अपना पैक कर लिया है क्योंकि हमें जाना है विशाल, क्योंकि जब हम लोग लखनऊ जा रहे थे उससे पहले मम्मी एक नया कुकर लेके आई थी और अभी हम लोग को आके पता चला कि उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसमें खाना बनाओ तो सीटी नहीं आती है, तो वही हम लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने इस वाले झोले में अपना कुकर पैक कर लिया है अच्छे से। सो फ्रेंड्स, जब तक वो लोग कुकर को देख रहे हैं बाहर, तब तक हम लोग यहाँ पे आके और अपनी शॉपिंग कर रहे हैं जो हम लोग को सामान चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग कुकर लेके आए थे, हमें वो गैस पे यूज़ करना था तो वो गैस पे चल नहीं रहा था, यहाँ पे आके जब हमने उन्हें बताया तो वो इंडक्शन पे टेस्ट कर रहे हैं। सो इंडक्शन पे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो अभी हम लोग चल के उनसे बात करते हैं। अब पता नहीं भाई, तो बेइज्जती हो जाती है। अरे रिटर्न फाइल बन गया क्या? अभी अंदर ये बच्चे आ रहे हैं, लोग बना लेंगे। भैया को दिक्कत हो गई थी, कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं। हां तो मैं डाल दीजिए, दिक्कत है नहीं कोई, अगर लगे तो आपको एक बार रबड़ बदलवा देना बस। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर आ गए हैं और मैंने आते आते बनाई थी चाय और जो हम लोग मॉल से पापड़ लेके आए थे मैंने वो भी सेक लिए, तो अभी हम लोग अपनी शाम की चाय पी रहे हैं। ये देखिए, ये हैं पापड़, ये रही चाय और ये वही वाले काजू हैं मसाले वाले। सो फ्रेंड्स, मेरा ये वाला ब्लॉग यहीं तक का था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।